हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़रीफ़ ख़ान। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो बोर्ड जो है, इस बोर्ड की वायरिंग किस तरीके से की जाती है। ये जो वायरिंग है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा। मैं बताऊँगा सबसे पहले कि आपको ये जो हमारे पास जो फेज़ वाला वायर जो है, वो आपस में इन दोनों में कनेक्ट कर लेना चाहिए पहले इस तरीके से। ये कनेक्ट करने के बाद में फिर एक स्विच से कनेक्ट कर देना चाहिए। और ऐसी ही सिंपल तरीका ये है कि पहले स्विच को इस सॉकेट से कनेक्ट कर देना चाहिए। यहाँ से हमने पहले इसको कनेक्ट कर दिया आपस में। उम्मीद है आप अच्छे से समझते होंगे। फिर इन दोनों स्विचों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारे पास फेज वायर था, उसके पास हमने उसकी वायरिंग आराम से कर दी। अब जो हमारे पास न्यूट्रल वायरिंग है, वो इस तरीके से होगी कि दोनों जो सॉकेट जो हैं वो आपस में कनेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ से जो सॉकेट जो है हमारा, एक सॉकेट को दूसरे सॉकेट तक न्यूट्रल पहुंचा देंगे, जैसे कि ये पहुंचा दिया हमने। अब यहाँ से हम इस तरीके से हमने पहुंचा दिया। अगर हम ये देखें कि जो ये वाला जो वायर जो है हमारे पास, वो न्यूट्रल वाला वायर है, जैसे कि ये हमने न्यूट्रल लिख दिया। और जो हमारे पास ये वाला जो वायर है, जो है ये वाला वायर हमारे पास फेज वाला वायर है। बस ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।